हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशु जायका। मैं हूँ निशु। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी खास्ता नमकीन, जिसे आप नमक पारे या निमकी के नाम से भी जानते होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 कप मैदा। 1 कप मैं पहले ही डाल चुकी हूँ और यहाँ पर वेट के हिसाब से ये 250 ग्राम है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच अजवाइन को इस तरह से हथेली पे मसल कर डालें, इससे अच्छा स्वाद आता है। और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे 4 चम्मच घी। तो यहाँ पे आप 4 चम्मच घी ऐड कर लें और इसे अच्छे से मिलाएं, जिससे कि हमारा नमकीन खास्ता बने। तो इसे अपने हाथों पे अच्छे से मसलते हुए मिलाएं पहले 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से बाइंड होने लगा है, इसका मतलब ये अब हो गया है। तो अब हम इसे गूंद लेंगे। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे मिलाएं। डो आपको टाइट तैयार करना है और इसे सॉफ्ट बनाना है, तो ज़्यादा आप गीला ना बनाएं, इसे टाइट ही रखें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डो परफेक्ट बनकर तैयार है। तो अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। 30 मिनट बाद हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है बेलने के लिए। तो यहाँ पे हम डो को लेंगे और अच्छे से इसे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और इसे 4 भागों में बांट लेंगे, जिससे कि हमें बेलने में आसानी होगी। और इस तरह से हम एक लोई लेंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए आपको रोटी की तरह बेल लेना है। बेलन की हेल्प से रोटी से थोड़ा सा मोटा बनाना है इसे। तो इसमें बिना परथन लगाए आपको बेलना है, तो अपने हाथों की मदद से इसे बेलें। तो आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है, मुलायम है और टाइट है, तो बेलने में आसानी हो रही है, चिपक नहीं रही है। अगर आप गीला डो बनाएंगे तो बेलने में नहीं बनेगा, तो आप टाइट ही आटा बनाएं नमकीन के लिए। अब हम इसे चाकू की हेल्प से कट लगा लेंगे। तो आप जिस तरह का शेप चाहते हैं आप डाल सकते हैं और इस तरह से आप काट लें। जिस डिज़ाइन में आप बनाना चाहते हैं उस डिज़ाइन में आप कट लगा लें। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है नमक पारा बनाना। तो इस तरह से आप घर पर बहुत ही इजीली बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ही खास्ता बनता है। इसे आप चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें करीब 250 ग्राम तेल डालें और इसे मीडियम फ्लेम पे गरम कर लें। और फिर हम एक बार जो काट कर रखे थे उस नमक पारे को डाल देंगे, नमकीन को, और इसे चलाते हुए आपको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक फ्राई करना है, जिससे कि ये अच्छे से कुक हो पाए और क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिनट बाद कुछ इस तरह का हो गया है, लेकिन अभी ये अच्छे से कुक नहीं हुआ है, तो इसे अभी और पकाना है। यहाँ पे आप 5 मिनट बाद देख सकते हैं हमारा नमकीन जो है, नमक पारे, वो बनकर तैयार हो गया है। तो इसे आप मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट पकाएं, तब ये खास्ता और क्रिस्पी बनता है। यहाँ पे मैं आपको आवाज़ सुना रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी और खास्ता बना हुआ है। तो है ना खास्ता। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और चाय के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े का लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो अगर ये मेरी नमकीन की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये सब बिल्कुल फ्री है और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।